ऐसे तरीके से कमा कर क्या करोगे जिसमें तुम्हारा मन टिकना ही नहीं चाहता, पेट भर चलता रहेगा, मन जलता रहेगा, ऐसे जीना है? पेट फूल जाएगा, मन राख हो जाएगा, ऐसे जीना है? ऐसे नहीं देखा जाता रोजगार को या आमदनी के स्रोत को कि पहले कुछ कमाने लगे और फिर कमाई के आधार पर अपनी रुचियां ढूंढेंगे, अपना प्रेम ढूंढेंगे। ऐसे नहीं होता, उल्टा होता है। पहले ढूंढो कि क्या करते हुए शांत हो जाते हो। पहले ढूंढो कि क्या है जो तुम्हारे मन को रोशनी देता है, तृप्त कर देता है, और फिर ये ढूंढो कि ऐसे काम से पैसा कैसे कमा सकते हैं। वो काम कुछ भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं तुम्हें पतंग उड़ाना अच्छा लगता है तो फिर ढूंढो कि पतंगबाजी से निर्वाह कैसे होगा। और जब मैं कह रहा हूं पतंग उड़ाना अच्छा लगता है तो मेरा मतलब ये नहीं है कि उससे तुम्हें प्रतिस्पर्धा का मजा मिलता है, रोमांच आता है इत्यादि। काम वो होना चाहिए जो बिल्कुल भिगा दे, जिसे डूब के ही कर सको। कर्म माने गति, मन की गति, तन की गति, और गति का तो एक ही उद्देश्य है, अगति तक पहुंचना, शांति तक पहुंचना। तो वो काम कुछ भी हो सकता है, अगर वो काम तुम्हारे मन का है तो उसके बाद सृजनात्मकता इसमें लगाओ कि काम तो अब यही करेंगे और कुछ नहीं करने वाले। ये करते करते क्या विधि लगाएं कि कुछ पैसा भी मिल जाए, कुछ पैसा भी मिल जाए, कुछ पैसा भी मिल जाए। काम से जो मूलतः मिलना है वो तो मिल ही रहा है। मूलतः क्या चाहिए काम से? शांति। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि काम से शांति मिलनी ही चाहिए। जब स्पष्ट हो जाए कि काम से शांति तो मिलती ही मिलती है, तब ये सवाल पूछो अपने आप से कि क्या करें कि अब इस काम से पैसा भी मिल जाए। उसके लिए कुछ उपाय करो, और पक्का जानो कि जो काम तुम्हें शांति देता हो उस काम को तुम उत्कृष्टता के साथ कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, एक्सीलेंस के साथ। और जो कुछ भी तुम उत्कृष्टता के साथ कर पा रहे हो उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ आमदनी तो मिल ही जाएगी। तुम अगर कोई भी काम बहुत अच्छे से कर लेते हो तो फिर तरीके निकाले जा सकते हैं उस काम के माध्यम से कमाने के। हो सकता है बहुत ना कमा पाओ, मैं नहीं तुम्हें अरबपति बनने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन इतना तो कमा ही लोगे कि राजी खुशी जी लोगे, पेट पालने की दिक्कत नहीं आने वाली। लगातार लगातार कुछ पल की शांति से आप राजी नहीं होंगे, वो तो हर जगह मिल जाता है। और कुछ पल की मिल गई तो और ज्यादा तड़पा के जाएगी, उससे तो भला ये है कि लगातार अशांति रहे। कुछ पल की शांति तो बड़ी क्रूर चीज होती है, आपको बता जाती है आपके पास क्या नहीं है, बिल्कुल चिढ़ा जाती है, चिढ़ा भी जाती है और कुछ दे के नहीं जाती क्योंकि थोड़ी देर की है। कि जैसे कोई आए और साफ साफ बता दे कि जिंदगी में कमी किस चीज़ की है, लेकिन जिस चीज़ की कमी है उसको
पूरा करके ना जाए, ऐसी शांति तो काम नहीं आती, बहुत जलाती है। हाँ बिल्कुल, देखिए मन है जो जलता है, और मन जल रहा है इससे संबंधित, इससे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य हैं संसार में। तमाम तरह के द्वंद हैं, शोषण है, अत्याचार है, झूठ है, चालाकियां हैं, फरेब हैं, शोषण है, पर्यावरण का ह्रास है, पशुओं की दयनीय अवस्था है। एक बार को सोचिए कि अगर आप पे कोई लालच ना हो, अगर आप पे कोई सामाजिक या पारिवारिक जिम्मेदारी ना हो, तो आप क्या काम करना चाहेंगे? एक स्वस्थ व्यक्ति हैं आप, और आपसे कहा जा रहा है कि काम इसलिए नहीं करो कि पैसा मिलेगा, काम इसलिए भी नहीं करो कि इज्जत मिलेगी, पैसा हम तुमको दिए देते हैं लो, और हम तुमको ये भी आश्वस्त किए देते हैं कि समाज में तुम्हारी एक प्रतिष्ठा भी रहेगी लो। जो जो उद्देश्य आमतौर पर हो सकते हैं नौकरी करने के, वो सारे उद्देश्य हम तुम्हारे पूरे ही किए देते हैं लो। अब बताओ अब कौन सा काम करना चाहोगे? तुम्हें नौकरी से पैसा मिलता था वो हमने पहले ही दे दिया, तुम्हें नौकरी से सुरक्षा की भावना आती थी वो हमने तुम्हें पहले ही दे दी, प्रतिष्ठा पहले ही दे दी, सामाजिक ताल्लुकात वो हमने तुमको पहले ही दे दिए, सब दे दिया। अब तुम खाली हो, खाली बैठे बैठे तुम्हें सब मिल गया। अब बताओ अब करना क्या चाहोगे? तब जो तुम काम करना चाहो समझ लो वो असली काम है और वही तुम्हें करना चाहिए। तब तुम कहोगे कि अब जो भी मुझे करना है वो लालच या डर की वजह से तो करना नहीं, लालच तो सब पूरे हो गए और डर किसी बात का बचा नहीं, तो अब जो मैं कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल कह रहा है, वो पता करो। और तब मैं कह रहा हूँ कि तुम देखोगे कि दुनिया में कितना कुछ है जो तुम्हारी सहभागिता मांग रहा है ना, फिर तुम उसको ठीक करने निकलोगे। फिर तुम न जाने कितने ऐसे मिशन हैं जिनको सहारा देने निकलोगे। वो असली काम होगा फिर, और वो काम न जाने कितने हैं। उन सारे कामों को तीन ही शब्दों में अगर बांध दोगे तो धोखा हो जाएगा। ये मत सोच लेना कि अध्यात्म का मतलब है कि एक ही काम होता है, सत्य की सेवा। सत्य की सेवा सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर में पुजारी की नौकरी हो, पर सत्य की सेवा अगर तुम्हें वास्तव में करनी है तो सत्य की सेवा करने के हजारों रास्ते हैं, और वो सारे रास्ते देखने में आध्यात्मिक प्रतीत भी नहीं होते। हिमालय पर पॉलिथीन का जो बोझ है, बहुत आवश्यकता है कि उसको हटाया जाए, और जो ये काम करेगा वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक आदमी होगा। आध्यात्मिक काम है ये सत्य की सेवा ही है। करो, निकलो इसको करने। तुम जिस भी देश में रहते हो, जिस भी गली मोहल्ले में रहते हो, तुम्हें न जाने कितने ऐसे मुद्दे मिलेंगे जो चिल्ला रहे हैं कि उनका निवारण किया जाए। वो सब सत्य की सेवाएं ही हैं, पर हम वो काम नहीं उठा पाते क्योंकि हम तो अपने ही व्यक्तिगत मसलों में उलझे हुए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मान लो तुम्हारे सारे व्यक्तिगत मसले सुलझ गए, फिर तुम क्या करोगे?
अपने व्यक्तिगत मसलों से आगे आओ, फिर पता चलेगा कि दुनिया को कितनी ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। फिर पता चलेगा कि अपने व्यक्तिगत दुख के लिए तो रोने का भी वक्त नहीं है तुम्हारे पास, दुनिया में इतना दुख है। फिर अपना दुख बहुत छोटा लगेगा। फिर ये सारी शंकाएं, ये सारे मुद्दे कि मेरा घर कितना छोटा है, कितना बड़ा है, अगली गाड़ी कब आएगी, इस कंपनी में रहूं कि उस कंपनी में रहूं, मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे या और महंगे वाले में डाल दूं, ये सारे मुद्दे ऐसे लगेंगे कि जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल हो। तुम कहोगे इन मुद्दों की कौन बात करे, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं सुलझाने को, हमारे पैर में जरा सी फांस लग गई है और हमारे चारों ओर क्षत विक्षत शव पड़े हैं, न जाने कितने हैं जो मृतप्राय हैं, न जाने कितने हैं जो कराह रहे हैं, न जाने कितने हैं जो सहायता के लिए पुकार रहे हैं। इस आर्तनाद के मध्य हम क्या इस बात की परवाह करें कि हमारे पैर में फांस लग गई है? ये जो हमारे आम तौर के मुद्दे होते हैं ना रोजमर्रा के, अपने लिए फलानी चीज लानी है, पत्नी के लिए गहने लाने हैं, ससुर जी को अस्पताल लेके जाना है, दफ्तर में धाक जमानी है, आज बच्चे का फुटबॉल मैच है तो उसके लिए आधे दिन की छुट्टी लेनी है, ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे बचकाने लगने लगेंगे। हाँ बोलिए। आचार्य जी, निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहना, नहीं वो सेवा जो शब्द है ना वो थोड़ा सा मन को डरा जाता है। जब आप निस्वार्थ हो जाते हैं तो आप सेवा नहीं करते, फिर मेवा ही मेवा है। सेवा तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोगी है, घर में बुढ़ऊ ददा पड़े हैं और आपसे कह दिया गया कि रोज इनके 2 घंटे पाँव मींजो, और अंदर की बात यह है कि ये सुहाता तो किसी को नहीं है, सेवा के साथ तो कुछ ऐसी भावना, कुछ ऐसी छवि उठाती है ना। निस्वार्थ हो गए आप तो उसके बाद आप दुनिया में खेलने निकलते हैं, आप दुनिया में जूझने निकलते हैं, उसके बाद दुनिया में आप जो करते हैं वो आपका प्रेम गीत होता है, आपकी प्रेम कहानी होती है। अब सूरमा की तरह तुम दुनिया के दोषों से लड़ गए हो, ये सुनने में एक बात लगती है, और कहा जाए कि मैं दुनिया की सेवा कर रहा हूं ये सुनने में बिल्कुल दूसरी बात लगती है। इसीलिए ये सेवा भाव कभी बहुत सफल हो नहीं पाता। फिर होठों वाली सेवा चलती है, लिप सर्विस। प्रेम दूसरी चीज है, उसमें तुम कुछ भी कर जाओगे। प्लान नहीं करना पड़ता, फिर अपने दिखता है ना, दिखता है। खुद से आजाद हो जाएं तो हमें साफ दिखेगा कि हमारी जरूरत किस जगह पर है। अब अभी तो हमें दिख भी जाए अकस्मात कि कहाँ हमारी जरूरत है, क्या हमें काम करना चाहिए, तो भी हमारे दिमाग पर दूसरे मुद्दों का बड़ा वो जोर है। भाई सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है,
दुनिया भर में क्या हो रहा है आज आपको जितना पता है उतना पहले कभी नहीं पता था, लेकिन क्या आप दुनिया भर के मुद्दों को, दुनिया भर भी हटाइए, अपने शहर के ही मुद्दों को अपनी जिम्मेदारी समझ करके उनमें अपने कर्तव्य का निर्वाह कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना, क्योंकि स्वार्थ एक संकीर्ण दायरे में ही जुड़ा हुआ है। उस संकीर्ण दायरे को हम कहते हैं मेरा जहान, मेरी दुनिया, मेरा घर, मेरा परिवार इत्यादि। आप मुझसे पूछेंगे कि एक जगा हुआ व्यक्ति क्या काम करेगा, तो मैं कहूंगा उसके पास करने के लिए काम की कमी ही नहीं है। दुनिया में जहां जाओ वहीं आग लगी हुई है, तो उसके पास तो इतना काम होगा करने के लिए कि बेचारे को फुर्सत नहीं। जगे हुए व्यक्ति का यही काम नहीं होगा कि वो दूसरों को उपदेश देता फिरेगा। जगा हुआ व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि प्रचारक या प्रवाचक ही बन जाए। आचार्य जो क्रिश्चियनिटी में सेवा करते हैं या जो भी सोशल कॉज और वेलफेयर के लिए काम चलता है, वो सारे जगे हुए हैं। अभी कहा तो था, बताने बताने में अंतर होता है, वैसे ही जगाने जगाने में अंतर होता है। आप ट्रेन में घुसते हो, आपकी बर्थ पर कोई सोया हुआ है, आप क्या करते हो? आप उसको जगा देते हो, जागृति ही तो ला रहे हो। क्या समाज सेवा करिए, सोते हुए को जगा दिया। और एक दूसरी बात होती है कि ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच गई है और आप उतर रहे हो और आपने देखा कि एक है जो अभी सोया पड़ा है, आपने जरा उसको हाथ रख के जगा दिया। ये जगाना दूसरा हुआ ना। पहले आप जब जगा रहे थे तो जगाने में आपका स्वार्थ निहित था, और दूसरी बार जब आप जगा रहे हो तो कोई स्वार्थ नहीं है, प्रेम कि उतर जाए तो भला है, नहीं तो ट्रेन निकल ना जाए। तो ये मत समझिए कि कोई किसी दूसरे को जगा रहा है तो सेवा ही कर रहा है। खास तौर पर धर्म के नाम पर जब जगाया जाता है किसी को, तो वहां 99% मामलों में उद्देश्य होता है अपनी संख्या बढ़ाना। और संख्या बढ़ाना बड़ा जरूरी होता है जब आप डरे हुए हो। निडर आदमी को किसी दूसरे की भी जरूरत नहीं पड़ती, और डरे आदमी के साथ 2000 हो तो भी कम पड़ते हैं। तो इसीलिए जो डरा हुआ आदमी होगा तुरंत कहेगा, अरे मेरे धर्म के अभी इतने ही लोग हैं, 2-4 और जोड़ लें, चलो जो मिले उसी का धर्म परिवर्तन करा देते हैं, क्योंकि दिल से मजबूती नहीं है ना, दिल से श्रद्धा नहीं है। तो फिर श्रद्धा खोजी जाती है भीड़ में, फिर कहा जाता है अरे इतने लोग अगर अब हमारे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं तो हमारा धर्म ठीक ही होगा। दिल अभी भी गवाही नहीं दे रहा है कि अपना धर्म ठीक है। मामला खोखला यहीं से है, शुरुआत से खुद को ही भरोसा नहीं है कि हमारा धर्म ठीक है। तो इसीलिए 100, 50, 5000, 5 करोड़, 500 करोड़ जोड़े पड़े हैं कि जोड़ लो, जो जो मिले सबको अपनी भीड़ में शामिल कर लो, ताकि फिर जब भीतर से संशय उठे तो भीड़ की ओर मुड़ के कह सके इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, सब पागल थोड़े ही हैं। अभी भी जो तर्क दिया गया है वो आंतरिक नहीं है, अभी भी तर्क ये नहीं है कि मैं जानता हूं कि मेरा धर्म ठीक है। अभी भी तर्क ये है कि अगर मेरे धर्म के 200 करोड़ लोग हैं तो क्या सब पागल होंगे? अच्छा 200 करोड़ कम लग रहे हैं, थोड़ा और 225 कर लेते हैं, चलो अफ्रीका में घुस जाते हैं, वो बेचारे कुछ जानते नहीं, भोले लोग हैं, उनको गाजर दिखाएंगे,
और कहेंगे बस अब तुम ग्रहण कर लो दूसरा धर्म। कोई पैगंबर, कोई मसीहा, कोई गुरु जब शिक्षा देता है तो वो एक बात होती है, वो वास्तव में आपको जगाने के लिए कुछ बता रहा है। उसे प्रेम है आपसे, वो आपकी खातिर आपको बता रहा है। लेकिन 99% मिशनरी जब आपको धर्म के बारे में दीक्षित करते हैं तो वो इसलिए नहीं आपको धर्म के बारे में दीक्षित कर रहे हैं कि उन्हें आपसे प्रेम है। वो किसी सेल्समैन की तरह अपना टारगेट पूरा कर, महीने के अंत में पूछा जाता है ना सेल्स वालों से कितने किए। वैसे ये लोग जो संख्या बढ़ाने निकलते हैं इनसे भी महीने के अंत में पूछा जाता है कितने किए। वो तो अपना स्वार्थ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि अभी भी 100 में से कोई एक हो सकता है जो प्रेमवश आपको अपने धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताए, पर वो 100 में एक ही होगा जो निस्वार्थ हो गया, जो आपसे प्रेम की खातिर आपको कुछ बताना चाहता है। उसमें फिर ये आग्रह भी नहीं रहेगा कि वो अपने किसी खास धर्म के बारे में ही बताएगा। वो फिर ये नहीं कहेगा कि मैं आपको ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। फिर वो आपसे ये कहेगा कि सुनो बेटा, धर्म अच्छी चीज़ है, मैं तुम्हें धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। फिर उसका आग्रह किसी एक धर्म विशेष पर नहीं रह जाएगा, फिर उसका आग्रह धार्मिकता पर होगा।